बहराइच हिंसा मामले से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में गोली मारने वाले आरोपियों को एनकाउंटर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर बहराइच से सामने आ रही है। बहराइच हिंसा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गोली मारने वाले आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। दोनों मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, जिसके बाद उनका एनकाउंटर किया गया है। बसेहरी नहर के पास ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों आरोपियों को गोली लग गई। आपको बता दें, बड़ी खबर, नेपाल भागने की फिराक में थे आरोपी, उसी दौरान उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। दोनों आरोपियों को गोली लगी है, आरोपी घायल बताए जा रहे हैं। बसेहरी नहर के पास ये घटना हुई है, ये मुठभेड़ बसेहरी नहर के पास हुई है। ये बहराइच हिंसा मामले से जुड़ी ये बेहद ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राम गोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है, जिसमें दोनों आरोपी घायल बताए जा रहे हैं। बहराइच हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एनकाउंटर की तस्वीरें सामने आई हैं, जो आप देख सकते हैं। रामगोपाल मिश्रा की हत्या का मामला था, जिसमें तालिब और सरफराज मुख्य आरोपी थे, जिन्हें एनकाउंटर में गोली लग गई। आपको बता दें, बड़ी खबर बहराइच से हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी से भी कुछ दिन पहले मुलाकात की थी। सीएम योगी ने उन्हें आश्वासन दिया था, जिसके बाद अब ये मुठभेड़ के आरोपी सरफराज और तालिब को एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मामले से जुड़े मामले में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली मार दी गई है। दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, जिसके बाद बसेहरी नहर के पास ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों आरोपियों को गोली लगी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बहराइच हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या का मामला था, जिसमें पीड़ित परिवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी से भी मुलाकात की थी, जहां उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन सीएम योगी ने दिया था। वहीं सीएम की ओर से पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया गया था। आपको बता दें, बड़ी खबर जो थी, सीएम योगी की तरफ से पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया गया था। लेकिन अब ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, वो ये कि दोनों आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर कर दिया गया है। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को गोली लगी और दोनों आरोपी घायल बताए जा रहे हैं। कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, जिसके बाद बसेहरी नहर के पास एनकाउंटर की मुठभेड़ हुई, जहां ये दोनों आरोपी घायल हो गए हैं। बहराइच हिंसा मामले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राम गोपाल मिश्रा की हत्या का जो मामला था, जिसमें मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब को एनकाउंटर कर दिया गया है। दोनों आरोपियों को एनकाउंटर में गोली लगी है। दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है।